हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हर्षी मैन एंड वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो आपको आज का वीडियो टाइटल पढ़ के जैसे कि पता लग ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कैसी डाइट आपको फॉलो करनी है अगर आप कोविड-19 से सफर कर रहे हैं या एक रिकवरी फेज में है, तो डाइट कैसे आपको हेल्प कर सकती है इस रिकवरी फेज को फास्ट करने में, ताकि हमें आगे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं आपको डाइट प्लान बताती हूँ, बहुत ही सिंपल, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताती रहूंगी। तो बिफोर आई बिगिन विद दिस वीडियो, आई विल लाइक यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, और काइंडली मेरी इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। सो शुरू करते हैं मॉर्निंग मील के साथ। सुबह उठते सार आपने क्या ऐसा लेना है जो आपको बहुत हेल्प करता है आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में या रिवाइव करने में, क्योंकि वी आर इन द रिकवरी स्टेट व्हेन वी हैव जस्ट सफर्ड फ्रॉम कोविड-19। तो सुबह उठते सार आपको 5 से 6 बादाम, 2 से 3 वॉलनट या जिसको हम बोलते हैं अखरोट, 5 से 6 किशमिश के दाने जो हैं, जो आपने रात को भिगो लेने हैं। ये तीनों चीजों को रात को भिगो लेना है, और ये तीनों जो भिगोई हुई चीजें हैं, सुबह आपने पहली चीज मॉर्निंग में इनको खाना है। तो सुबह आपने इन चीजों के साथ हर्बल चाय लेनी है। हर्बल चाय बहुत इजी है बनानी। जो चाय का पानी आप उबलना रखते हैं, उसमें उबलते पानी में आपने क्या डालना है, एक तुलसी के पत्ते, 4 से 5 पत्ते तुलसी के, थोड़ा सा अदरक, 1 या 2 पीसेस अदरक के छोटे पीसेस, 2 से 3 लौंग के दाने डालने हैं, साथ में थोड़ी सी दालचीनी डालनी है। इसके साथ आपके बन जाएगी हर्बल टी। ये आपने दिन में 1 से 2 बारी लेनी है। दूसरी बारी कब लेनी है मैं आपको डाइट प्लान में बता ही रही हूँ। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में हमारी मैक्सिमम कोशिश रेट या क्या रहेगी ड्यूरिंग कोविड, कि जो भी हम मील्स लें उसमें प्रोटीन ज्यादा रहे, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहे, बिकॉज प्रोटीन्स जो है आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ दाल परांठा, मूंग दाल परांठा ले सकते हैं, या फिर स्पिनच परांठा, पालक परांठा ले सकते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी, परांठों को फ्राई करना अवॉइड करें। उसके अलावा यू कैन टेक स्प्राउट्स, यू कैन टेक दलिया, यू कैन टेक पोहा, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, देन यू कैन इवन टेक एग्स, एग्स जो है बॉइल्ड एग्स जो है वो भी ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद है इस टाइप पे। लोग अक्सर ये मेरे से पूछते हैं कि कैन वी टेक एग, कैन वी टेक नॉन वेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यस, यू कैन एब्सोल्युटली टेक, दे आर एब्सोल्युटली सेफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही पेशेंट्स में। अगर वो एग या चिकन या मीट जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही। अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द 11 o'clock मील, यानी कि पोस्ट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे के टाइम पे आप क्या ले सकते हैं, फ्लूट्स। मैं इस टाइम पे ज्यादातर पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ फ्लूट्स लेना या फ्रूट लेना। अब फ्लूड्स ड्यूरिंग कोविड-19 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है पानी की मात्रा आपकी बरकरार रहे बॉडी में, क्योंकि जब फीवर रहता है ड्यूरिंग कोविड, हम देखते हैं कोरोना की इन्फेक्शन में बॉडी फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट फ्लूड्स। फ्लूड्स जैसे कि पानी तो आपने ज्यादा पीना ही है थ्रू आउट द डे, बट 11 बजे के टाइम पे आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, यू कैन टेक लेमन वाटर, यू कैन टेक छाछ होगी जिसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, बट ये जैसे लेमन वाटर है, छाछ है, इसको अपनी शुगर स्वीटेंड नहीं है लेने हैं, सॉल्टेड ले ज्यादा बेटर है, राइट। उसके अलावा यू कैन टेक आंवला जूस, ये बहुत ज्यादा हेल्दी फ्लूड्स हैं जो आप इस टाइम पे 11 बजे के टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। एक यहाँ पे थोड़ी सी प्रिकॉशन है, जिन लोगों को कार्डियक कोई डिसफंक्शन है या किडनी का डिसफंक्शन है, उसको उनको फ्लूड की मात्रा थोड़े मॉनिटर्ड वे में लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं लंच की तरफ। लंच में आपने क्या चीजें लेनी है, लंच में आप ले सकते हैं कोई भी दाल, कोई भी सब्जी जो आपको अच्छी लगती है। ज्यादा आपने घी या तेल या तड़के लगा के सब्जी नहीं बनानी, सब्जी हल्की फुल्की बनानी है, जितना हल्का हम उसको, उसमें जो स्पाइसेस है वो भी हल्के रखने हैं, कम मात्रा में रखने हैं, तेज ज्यादा अपनी, अगर आप बोले तेज मिर्ची वाला, ऐसे नहीं करना, ठीक है, हल्के रखने हैं। उसके अलावा आफ्टर लंच अगर आपका लंच में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं स्किप, वो है दही की कटोरी, कर्ड का एक बाउल, छोटा बाउल जो है वो जरूर लें। कर्ड इज वेरी गुड फॉर यू, इसमें इतना अच्छा, दिस इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स, और स्पेशली जो पेशेंट एंटीबायोटिक्स पे होते हैं ड्यूरिंग दिस कोविड ट्रीटमेंट, दे नीड टू टेक कर्ड, ताकि उनका जो नॉर्मल फ्लोरा है बैक्टीरिया का उनके इंटेस्टाइन में वो बराबर बना रहे, नॉर्मेलसी में रहे, तो इसलिए आपको कर्ड लेना बहुत जरूरी है।
उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट लंच में। लंच के बाद आप क्या ले सकते हैं? लंच के बाद ऑब्वियसली मीठा खाने का मन हो सकता है, तो आप दो डेट्स यानी कि जो खजूर होती हैं वो ले सकते हैं, या घी शक्कर, वो भी आप थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, मॉडरेशन इज द की, तो थोड़ा सा आप वो भी ले सकते हैं। आपको मीठे की जो क्रेविंग है वो भी नहीं रहेगी इसके बाद। हमारा इवनिंग टाइम आ गया। इवनिंग टाइम में आपने क्या लेना है, यू कैन अगेन टेक दैट हर्बल टी जो हमने मॉर्निंग में जैसे बनाई थी वैसे ले सकते हैं। साथ में आप चना सैलेड, स्प्राउट सैलेड, या फिर आपका स्वीट पोटैटो सैलेड, कुछ भी ऐसा जो है बेफिक्र होके लीजिए। देयर आर वेरी गुड सोर्स ऑफ, जैसे चना सैलेड है, स्प्राउट सैलेड है, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, बहुत अच्छे तरीके से आपको रिकवर करने में हेल्प करता है। और द बेसलाइन इज कि हमने प्रोटीन की मात्रा इस टाइम पे ज्यादा लेनी है, जब हम कोविड से सफर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं हमारी बॉडी, तो कोविड में जब आप रिकवरी फेज में हैं तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स की कम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो कैलोरीज हमने पूरी लेनी है, पर किस सोर्सेस का, तो वो हमने चीजें दिमाग में रखनी है। अब ये हर्बल टी होगी, हमने साथ में चना चाट कुछ भी ऐसा खा लिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द इवनिंग टाइम, इनके डिनर टाइम की तरफ जा रहे हैं। डिनर टाइम से पहले सूप आप ले सकते हैं, जैसे चना सूप है, वेज सूप है, दाल सूप है, चिकन सूप है, डिपेंडिंग आप नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है, क्या पसंद करते हैं वैसे ले। पर जरूर इस डाइट को ध्यान से एक एक चीज को फॉलो करें, क्योंकि आपको इतनी मात्रा कैलोरीज की चाहिए अपनी बॉडी में ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग द रिकवरी फेज ऑफ कोविड, यू रिक्वायर दिस मच अमाउंट ऑफ कैलोरीज। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डिनर, डिनर बहुत ही लाइट रखना है। कोशिश करें खिचड़ी खाने की, कोशिश करें येलो दाल विद राइस, या फिर कोशिश आप राइस आपने बॉयल राइस या ब्राउन राइस कोशिश करें, ज्यादा बेटर है। उसके अलावा आप ले सकते हैं दलिया या वेजिटेबल दलिया भी बना सकते हैं, सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट प्रेफरेंसेस। ये चीजें आपके पास चॉइसेस हो गई। ये हो गया आपका डाइट प्लान जो आपने फॉलो करना है जब आप एक रिकवरी स्टेज पे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को फिटीग, थकावट बहुत हो जाती है, वीकनेस बहुत हो जाती है, क्योंकि ये पेशेंट्स जो देख रहे हैं हम, उनमें ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। जो दो प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन आ रही है कोविड के बाद, एक तो है थकावट की, दूसरा है लॉस ऑफ स्मेल। जिन पेशेंट्स में लॉस ऑफ स्मेल हो रहा है वो बहुत लेट वापस आ रही है स्मेल, तो क्या करना है मैं आपको दोनों चीजें बताती हूँ। पहली चीज क्या है, आपने अगर थकावट है तो आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने हैं अपने डाइट में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के आपको सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, नेचुरल फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये नट्स जो मैंने आपको बताया जो मॉर्निंग टाइम पे ले रहे हैं, इन सब में दे आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सो यू कैन टेक देम टू रिकवर योर बॉडी। जो आपको थकावट लगती है, वीकनेस लगती है, वो बिल्कुल लगनी बंद हो जाएगी। सेकेंड चीज आती है जिनको लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ स्मेल के लिए एक स्मेल थेरेपी, जिसकी वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा। एंड सेकेंड मैं क्या रिकमेंड करती हूँ लॉस ऑफ स्मेल के लिए, दैट इज अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड के सोर्सेज जो नेचुरल है वो क्या क्या रहते हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, एग्स हो गए, मीट हो गया, फिश हो गया, इनमें दिस इज फाउंड इन अ गुड अमाउंट, तो आप ये चीजें ले सकते हैं। ये आपकी जो लॉस ऑफ स्मेल की रिकवरी में हेल्प करेगा, साथ के साथ विटामिन ए के सप्लीमेंट, दैट इज नेसेसरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइट जो आपने लेनी है कोविड के टाइम पे। इन केस यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, यू कैन मेल मी एट माय मेल एड्रेस व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ